आज हम छत्तीसगढ़ की फेमस रेसिपी बिजोरी बनाने वाले हैं। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे तो इसे आप फ्राई करके या सेक कर खा सकते हैं। मेरे घर में तो बहुत ही पसंद करते हैं, आशा है कि आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। है ना, बहुत ही क्रंची। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगल अपनी किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैं रखिया के बीज का बिजौरी बना रही हूँ। अगर आपके पास ये रखिया नहीं है तो आप बिना रखिया के बीज का बिजौरी बना सकते हैं, सिर्फ उड़द दाल और मसाले से ही बना सकते हैं। रखिया का बीज बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए इसका बिजौरी बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसे अच्छे से धो ली हूँ। जितना रखिया का बीज है उतना ही हमें उड़द दाल लेना है। उड़द दाल को अच्छे से मैं धो ली हूँ। अब इसमें पानी डाल के रात भर इसे भीगने के लिए रख देंगे। अगर आप रात भर भिगाना नहीं चाहते हैं तो 5 से 6 घंटे इसे भिगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, ये रात भर भीग चुका है और साइज़ में डबल हो चुका है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ और पानी बहुत ही कम डाली हूँ इसमें। इसे हमें चिकना नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही पीसना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही पीसना है। अब एक बड़ा बर्तन ले ली हूँ, उसमें इस पिठी को डाल देंगे। अब इसमें रखिया का बीज डाल देंगे। अब इसमें एक कटोरी सफ़ेद तिल डाल देंगे, ये लगभग 50 ग्राम है ये। आधा चम्मच हींग डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सभी सामग्रियों को हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सर को 5 मिनट तक ऐसे अच्छे से फेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे फेंटना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट ही काफ़ी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे फेंटेंगे तो बिजौरी बनने के बाद वो टूटने लगता है। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छे से फेंट ली हूँ। अब इस पिठी को उसी पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं छत में, जहाँ बहुत ही अच्छा धूप खिला हुआ है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से धूप खिला हुआ है। जब तेज़ धूप हो उसी समय बड़ी बनाना चाहिए और उसका बिजौरी बनाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं दोनों हाथों को पानी से गीला कर ली हूँ। अब इस पिठी को थोड़ा सा उठाएंगे और गोल बना लेंगे। अब गोल बनाने के बाद दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे रखेंगे और ऐसे दबा देंगे और सभी तरफ इसे शेप दे देना है और एक कपड़े में ऐसे रख देना है। ये देखिए, बन गया। और जब दूसरा बनाएंगे तो फिर से हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और गोल बनाएंगे और इसी शेप को बिजौरी के शेप में बना लेना है और इसे भी कपड़े में रख देना है। बिजौरी को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। इसे 1/2 इंच की मोटाई में ही इसे बना लेना है। तो सभी बिजौरी को ऐसे ही बनाकर रख लेना है। ये देखिए, सभी बिजौरी बनकर तैयार है। अब इसे हम तेज़ धूप में सूखने देंगे। जब भी बिजौरी बनाएं तो तेज़ धूप में ही बनाएं ताकि ये अच्छे से सूख जाए। जब ये अच्छे से एक तरफ सूख जाए फिर दूसरे दिन इसे पलट लेना है। ये देखिए, ये दूसरा दिन हो चुका है। ऊपर से बिजौरी अच्छे से सूख चुका है और अंदर से थोड़ा नमी है, थोड़ा सा गीला है। तो इसे हम ऐसे पलट देंगे, सारे बिजौरी को ऐसे ही पलट लेंगे और 2 से 3 दिन तक सुखा लेंगे। ये देखिए, ये 2 से 3 दिन सूखने के बाद ऐसे अच्छे से सूख चुका है। मैं 2 बिजौरी को तल के दिखाती हूँ। गरम तेल में इसे डाल देंगे और ब्राउन होने तक इसे पकने देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। जब दोनों तरफ अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बिजौरी बनकर तैयार है। ये देखिए, बहुत ही क्रंची बनकर तैयार है। अब इसे हम एयरटाइट डब्बे में, जब तक चाहे आप इसे एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको भूख लगे इसे निकाल कर तल कर खा सकते हैं। अगर आप तलना नहीं चाहते हैं तो इसे सेक कर भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिजौरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।